बुलंदशहर में 50 से ज्यादा मुकदमों में लिप्त कुख्यात गौकश आरिफ पहलवान के खिलाफ थाना खुर्जा देहात पुलिस ने एनएसए की कार्यवाही की है। कुख्यात आरिफ ने साल 2018 में अपने भाई अफसर कासिम रिजवान व अन्य साथियों के साथ मिलकर 21 गौवंशों को खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव इस्लामाबाद में गौकशी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल कुख्यात आरिफ पहलवान गैंगस्टर के मुकदमे में बुलंदशहर की जिला कारागार में कैद है। कुख्यात आरिफ पहलवान ने जेल से बाहर आने के लिए बीती 10 तारीख को न्यायालय में जमानत की अर्जी दायर की थी। कुख्यात आरिफ द्वारा क्षेत्र में गौकशी आदि जैसी जघन्य अपराध कारित कर जनता में भय का माहौल पैदा करने व लोक शांति भंग करने की आशंका थी। आरिफ पहलवान को कुख्यात अपराधी व गौकश मानते हुए न्यायालय द्वारा जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया। गैंगस्टर में सजा काट रहे आरिफ पहलवान पर खुर्जा देहात पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जिला कारागार में आरिफ पहलवान को एनएसए में तामिल करा दिया है। कुख्यात आरिफ के खिलाफ हत्या गौकशी आदि जघन्य अपराधों के करीब 50 मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।